पंजाब सरकार वालों कोविड महामारी विच अनाथ होए सारे बच्चों के नाल नाल कमाऊ जी गवा चुके सारे परिवारों नूं 1 जुलाई 2021 तो 1500 रुपए प्रति महीना समाजिक सुरक्षा पेंशन अते ग्रेजुएशन तक मुफ्त सिक्ख्या मुहैया करवाई जाएगी। इस अनकियासी महामारी विच जिहड़े बच्चे मां बाप तो महरूम हो गए हैं उन्होंने बच्चों का पालन पोषण करन नूं सूबे सरकार का फर्ज दसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने सरकार अजिहे बच्चों के नाल उन्होंने परिवारों के बच्चों जिन्हां दे कमाऊ जी कोविड करके फौत होए हन लई सरकारी संस्थावां विच मुफ्त सिक्ख्या यकीनी बनाएगी। कोविड की स्थिति की समीक्षा लई उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ित व्यक्ति 1 जुलाई तो आशीर्वाद स्कीम तहत 51,000 रुपए की राशि के योग होणगे अते सूबे की समार्ट राशन कार्ड स्कीम तहत मुफ्त राशन लई भी हकदार होणगे। इस तों इलावा सरबत सहित बीमा योजना के दायरे में आउणगे। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार पीड़ित परिवारक मैंबरां नूं घर घर रोजगार के कारोबार मिशन तहत ढुकवी नौकरी देने सहायता करेगी। अनाथ बच्चों 21 साल की उम्र होने तक यह राहत मुहैया करवाई जाएगी। जितों तक किसी परिवार के कमाऊ जी के तुर जाने का संबंध है उस मामले में 3 साल के शुरुआती समय में यह राहत मुहैया करवाई जाएगी। इस तों बाद उन्हां दी हालत नूं मुड़ भोख्या जाएगा। मुख्यमंत्री ने समाजिक सुरक्षा ते महिलावां ते बाल विकास मंत्री की अगुवाई में निगरान कमेटी के गठन का ऐलान भी किया है जो हरेक केस विच राहत कार्यां ते प्रगति समीक्षा करेगी। एक कमेटी 1 महीने विच घट्टो घट एक बार मीटिंग करेगी। समाजिक सुरक्षा ते महिलावां ते बाल विकास विभाग कोविड पीड़ित व्यक्तियों लई राहत कार्यां नूं अमल विच लियाउण वास्ते नोडल विभाग होवेगा। एक कमेटी अजिहे सारे प्रभावित व्यक्तियों दा रिकॉर्ड रखेगी अते उन्हां नूं दित्ती जा रही राहत बारे जाणू करवाएगी। इस तों इलावा एक कमेटी लोड़ींदी राहत उपलब्ध ना होण तक संबंधित विभागां नाल तालमेल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।